तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के। जैसे कि आप देख रहे हो कि भैया क्लासिकल मैकेनिक्स की और वो भी जेसी उपाध्याय की बुक जो है मैंने खरीद ली है। तो आज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि ये बुक जो है वो किस टाइप में है, क्या क्या इसके अंदर चैप्टर्स हैं, यानी कि एक तरीके से रिव्यू देने वाला हूँ, छोटा सा रिव्यू इस बुक का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रहती है ये, जितने भी फिजिक्स के लोग हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में जानते हैं और जो बीएससी एमएससी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है। और जैसे कि आप देख रहे हैं डॉक्टर जेसी उपाध्याय गेट और नेट एग्ज़ाम वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं भैया क्लासिकल मैकेनिक्स है और फॉर एमएससी फिजिक्स बीएससी ऑनर्स और नेट जेआरएफ गेट अदर एग्जामिनेशन वगैरह के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रहती है। तो बुक है क्या, देखो मैं दिखा देता हूँ असल में, ठीक है। हिमालय पब्लिशिंग हाउस की बुक है और 2015 से सर्टिफाइड है बुक। मैं आपको पूरा बुक दिखा देता हूँ लास्ट में पीछे से कैसी है, ठीक है। पीछे तो कुछ इतना खास नहीं है, बाकी ये यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स और वही डॉक्टर जेसी उपाध्याय का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, जैसे ही इसको बुक को मैं ओपन करूँगा तो बुक का फ्रंट पेपर जो है आपको उसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है असल में कि क्लासिकल मैकेनिक्स है और डॉक्टर जेसी उपाध्याय जो हैं उनके बारे में। तो ये सब तो ऐसे ही है, इसको कोई इतना देखना चाहेगा नहीं, ठीक है। हाँ, जिसको थोड़ा बहुत है वो आप पढ़ ले। और इसका एडिशन वगैरह दिया हुआ है कि भैया फर्स्ट एडिशन कब आया था, 1999 में पहली बार ये बुक आई थी, उसके बाद जो है रीप्रिंट करी गई और फिर उसके बाद जो मेरे पास जो भी है तो रीप्रिंट जो है वो 2021 वाला है, ठीक है। ये फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी और वैसे मैंने अपने लोकल बुक डिपो से ही खरीद ली है क्योंकि वहाँ पर मुझे आसानी से मिल गई। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और बुक के नेक्स्ट पेज पर जब हम चलते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रीफेस लिखा हुआ है, ठीक है, रिवाइज एडिशन का। तो वो सब तो भैया हमें इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। अब हम सीधा बढ़ते हैं आगे अपने मेन कंटेंट जो है इस बुक का, वो कंटेंट के ऊपर पढ़ते हैं। तो कंटेंट क्या है बुक का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बुक का कंटेंट ये है कि पहला इंट्रोड्यूस आइडिया है, इंट्रोडक्टरी आइडिया, जिसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, स्पेस टाइम ये सब आप देख जैसे कि देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे मैं और बढ़ा देता हूँ। उसके बाद जो है चैप्टर है आपका सेकेंड जो है लैग्रांजियन डायनेमिक्स, लैग्रांजियन डायनेमिक्स में इंट्रोडक्शन बेसिक कंसेप्ट और कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो फटाफट से मैं आपको रिव्यू दिखा रहा हूँ एक तरीके से कि भैया क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है इस बुक के अंदर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सारा का सारा, उसके बाद हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स आ जाती है, उसके अंदर के जितने टॉपिक हैं ये दिखा दिए मैंने। फिर आगे कंटेंट में बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कंटेंट जो है आपका वो टू बॉडी और सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, ठीक है, उसके सारे जितने भी टॉपिक हैं आपके ये सब दिखा दिए हैं। नेक्स्ट है आपका वेरिएशनल प्रिंसिपल्स जो आपके बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसके बारे में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला जो है वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, चैप्टर नंबर 6। फिर इसके कुछ टॉपिक हैं और उसके बाद ब्रैकेट हो गया, ठीक है, और ये आपकी लिवलियस थ्योरम हो गई और फिर हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी एंड ट्रांजिशन टू क्वांटम मैकेनिक्स। फिर आगे हम लोग स्मॉल ऑसिलेशन और नॉर्मल मोड्स, तो आपको ये सारे चैप्टर इसमें मिलने वाले हैं। डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस के वो हैं। नॉन इनर्शियल रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी दिया हुआ है इसमें। तो ये कंटेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है, सब मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि भैया आपको पता चले इस बुक में है क्या और ये क्यों इतनी अच्छी बुक है। और देखो अभी मैंने ली है, इसमें अभी इतना पढ़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जितना पढ़ा है ना बुक बहुत ज़बरदस्त है, मतलब अच्छी बुक है, ईजी लैंग्वेज है, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज है कि आपको मतलब समझ में आ जाएगा और मज़ा आ जाएगा आपको इसकी लैंग्वेज में। कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, बेसिक बिल्कुल क्लियर रखे गए हैं। तो ऐसा है कि मतलब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको खुद ही कुछ समझना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में है। तो जितने भी आप गेट एग्ज़ाम नेट एग्ज़ाम वाले हैं और एमएससी फिजिक्स बीएससी जितने भी हैं, ठीक है, उनको ये बुक लेनी ही चाहिए अगर वो क्लासिकल मैकेनिक्स भैया पढ़ना चाहते हैं एक अच्छी तरीके से और कुछ पढ़ना ही चाहते हैं, मतलब जैसे एक तरीके से आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं, यानी कि खाली बस पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, एक नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो मुझे 500 रुपये की पड़ी है बुक, ठीक है, तो मैंने तो लोकल बुक डिपो से ही खरीदी है अपने मार्केट के, लेकिन आप फ्लिपकार्ट वगैरह में जाएंगे तो आपको ये 525 या 500 समथिंग में मिल ही जाएगी। तो दोस्तों ये थी क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक। वीडियो अगर अच्छी लगी और रिव्यू अच्छा लगा हो तो बताना, ऐसे ही एक और बुक के साथ में आने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और सपोर्ट करें चैनल को, थैंक यू।